Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. शुक्रिया. मुझे बहुत अच्छा लगता है एक लड़का साथ में दो लड़कियां हैं. बाकी श्री मैम देख लो, अभी पिछले दो हफ्ते पहले आई थी, आज फिर दोबारा हमारे शो पे आई. बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के. अच्छा तो लगता ही है ना. नहीं नहीं, आपसे मिलकर हैं क्या? देखो देखो, इन्होंने सलमान खान के साथ एक फिल्म की, मैंने प्यार किया, लेकिन मेरे शो पे दो बार आई है. तो मैं क्या समझूं, आपके दिल में मेरे लिए सलमान खान से भी ज्यादा क्रेज है. Let's sit. Come on, please. आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. नुसरत हमारे शो पे पहले भी आ चुकी है, आप सबने देखा है, लेकिन आज पहली बार श्रीनिवास जो है हमारे शो पे आए हैं. साई श्रीनिवास बेल्लम कोंडा. आपकी पर्सनैलिटी पे ये सूट भी करता है ये नाम. मतलब इतने लंबे चौड़े हैं आप. ये आपका निकनेम है कि पूरा ये या और मतलब इज इट योर फुल नेम? माय नेम, सम पीपल कॉल मी श्री सर. ओके. एंड सम पीपल कॉल मी साई बेल. साई बेल. साई बेल. साई बेल. साई बेल ठीक है. अच्छा, इट्स लुकिंग अच्छा लगता है. आपकी जितनी पर्सनालिटी है, मतलब दो चार रोटी से आपका काम हो जाता है कि तोल के खाते हैं आप? मेरे को पंजाबी जैसे इतना रोटी चाहिए सर. इतना रोटी और इतना खाना चाहिए. मैं पंजाब से हूँ, हम लोग भी बड़ा. एग्जैक्टली. इन केस अगर एक लेडी आपको आके बोले कि लेट्स हैव अ कंपटीशन ऑफ ईटिंग, तो आपने मना कर देना है? ऑफ कोर्स सर, आई कांट डू इट ऑन योर शो. यू नो द ग्रेट खली, द बिग रेसलर, उनके साथ इनका कंपटीशन हुआ खाना खाने का. अपना तो खाया, उनका भी खा गई. फिर उसकी तरफ देख के बोल रही, पेट नहीं भरा. वो वैसे नॉर्मली चल के जाते, उस दिन भाग के गए, कहते मुझे भी खाएंगे आप. अभी तो बहुत स्लिम हो गई है जी. सात बिल्कुल लूज किया मैंने. सात किलो लूज हुआ है क्योंकि किस किलो बड़ा भी था ना. तो उसके हिसाब से ये लेकिन इनका आना नहीं हो रहा है. हाँ. नुसरत आपके मैंने नाम में एक बात नोटिस की है, नुसरत में आर भी डबल हो गया, टी भी डबल हो गया. हाँ, सरनेम में सी भी डबल हो गया. हाँ, तो खाली ये स्पेलिंग ही डबल हुए हैं कि आप भी डबल हुई हैं? नहीं नहीं कपिल, मैं अभी भी बहुत सिंगल ही हूँ. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप. तू डबल हो गया, डबल से क्वाड्रिपल हो गया, तेरे दो बच्चे भी हो गए, लेकिन लोग सिंगल ही रहे हैं. शादी हो गई, बच्चे ना हो, क्या क्या चाहती हैं आप? तो ये सिंगल से डबल ना हो तो क्यों खुश आ रहा है? अच्छा लगता है. हाँ, तुझे तो अच्छा लगेगा ही. हाँ, पिछली बार तो रहमान सैन के साथ आँख में चोली खेल रहे थे अभी यहाँ पर. हाँ, क्यों है? हाँ, इसलिए नहीं आती मैं बहुत. नुसरत तुम बदल गई हो. पर तू कभी नहीं बदलेगा. आप और श्रीनिवास अलग अलग जगह प्रमोशन करने जा रहे हैं. मैंने काफी सारे फोटोग्राफ्स देखे आपके, आप बिहार भी गए थे अभी. मैंने देखा फूड भी बड़ा ट्राई कर रही हैं आप बाहर का. हाँ. आपका स्टाफ रोकता नहीं, मैडम वजन बढ़ गया तो अगली फिल्म में प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. उसके बाद वो मेक श्योर करते हैं मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम जाऊँ. वेरी गुड. अर्चना भी ऐसे करती हैं, जब इनका थोड़ा सा वेट बढ़ जाए ना, ओ माय गॉड मीठा ज्यादा हो गया, अगले दिन 2.5 किलो नमकीन खा के ना बैलेंस करती हैं डाइट. अब वैसे ऐसी कौन सी चीज है नुसरत जिसको देख के आप खुद को रोक ही नहीं पाती, बाद में देखा जाएगा अभी तो खाऊं? मीठा. मीठा कुछ भी मीठा हो. क्यों होती मीठे की क्रेविंग लोगों को? पता नहीं, मैं रात को 2 बजे ऐसे पूरी चॉकलेट खा जाती हूँ, पता नहीं कैसे. श्री आप अभी लिट्टी चोखा ट्राई किया आपने जब आप बिहार गए? उधर पटना को पहली बार गए और लिट्टी चोखा तो 100% पीपल वाज लाइक यू हैव टू ट्राई दिस. चोखा बड़ा स्पाइसी भी होता है, अगले दिन चोखा तंग करता है, नेक्स्ट डे बड़ा मतलब तंग करता है. वैसे ऐसे ही बहुत तीखा था और उनकी चटनी तो बहुत ही ज्यादा तीखी थी, इसलिए 2 प्लेट खाई. लेकिन आई एम यूज्ड टू स्पाइस सर, हैदराबाद से है ना सर, वी आर लाइक फुल्ली यूज्ड टू स्पाइस, वेरी स्पाइसी. अच्छा, ये ऑलरेडी श्रीनिवास जो है तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार है, लेकिन हिंदी में ये डेब्यू कर रहे हैं, तो ये फैंस की डिमांड आई थी कि आप हिंदी फिल्म करें या आपको कपिल शर्मा शो में आना था? आपका शो गाने के लिए सर, लेकिन ये अवार्ड से भी बड़ा है सर. अरे सर, सर हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे स्टार्स जो है हमारे शो पे आते हैं और हमारा शो भी जो है वहाँ पे जो आपके फैंस हैं. सर अभी खाली नॉर्थ में नहीं, साउथ में भी आपको बहुत फैंस हैं. थैंक यू. मेरे को पहले जब हिंदी फिल्म मेरे रिलीज हो रहे बोले तो कपिल शर्मा शो का गई प्रमोट किया, बोल में पहली क्वेश्चन वही कर रहे हैं सब लोग, वही पूछ रहे मेरे को. मैंने भी यही बोला, मैंने कहा नहीं नहीं एक सेकेंड, हम इतनी सिटीज जा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड द होल टीम, मैंने कहा कपिल सब घूम के आ गए ना. नुसरत अब आपको मेरी याद आई है ना? अभी क्या करूं मैं, सारा नॉर्थ घूमाई.
आप कुछ कहना चाहेंगी हमारी तारीफ में? आपके तारीफ में देखिए, इन्हें स्पाइसी अच्छा लगता है, इन्हें मीठा अच्छा लगता है, आपके जेब में चॉकलेट हो तो आपका काम तो बन ही जाएगा। आप इतनी प्यारी लग रही ना, लेवेंडर आइसक्रीम लग रही हैं आप। लेवेंडर आइसक्रीम क्या होता है? लेवेंडर आइसक्रीम नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। होती तो ऐसी ही होती खूबसूरत। अच्छा श्रीनिवास, इतना कमाल का एक्शन करते हैं ना, फिल्म में हीरोइन को गुंडों से बचाना हो या विलन को पकड़ने उसके अड्डे पे जाना हो, ये पुलिस में होते हुए भी ना बिना फोर्स के चले जाते हैं। आपको डायरेक्टर ने कब कहा नहीं कि हमने चार कांस्टेबल भी कास्ट किए हुए हैं? आप सीधा खुद ही निकल जाते हो आप। सर ऑडियंस को बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस देना है सर, एक्शन तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल, और बड़ा कमाल का एक्शन करते हो आप सर। श्रीनिवास, आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, एक्शन करने में या रोमांस करने में? आई मीन सर, जो भी ऑडियंस को पसंद है वो करना पसंद है सर मेरे को। हम सबसे सिनेमा बड़ा है वो हमारा भगवान है। जैसे हमारी फिल्म में इनका डांस स्टेप बहुत ही बढ़िया है। ये सीडन था, ये प्लगइन था। कोशी में ये हर बार मुझे नचवाती क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं भी को नाचो, मैंने कहा नहीं। क्योंकि बहू को सास तो नचाती है ना, मैं तो सास हूँ। सास देख लो जी आप। पहले तो हमें लगा कि लव ट्रायंगल चल रहा होगा, बाद में हमने ट्रेलर देखा तो हमें पता चला आप माँ का रोल कर रही हैं। कैसा लगता है जब आपको माँ भी हीरोइन जैसी मिली है ना? जब सेट पे आपने पहले दिन देखा होगा तो आपको आइडिया तो लगा कि शायद मेरी दो हीरोइन है फिल्म में। मैं सोचा कि ये दिल मुश्किल है, पार्ट टू करना चाहिए। हाँ, पार्ट टू होना चाहिए। ऐसे तो श्री बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, सेट पे आप थोड़े अपनी तरफ से भी टिप्स देती थी इनको हिंदी बोलने में? उमर ट्यूटर था सर। नहीं, जब आपको पता है ना किसी को भाषा नहीं आती तो बहुत मजा आता है, क्योंकि आप उनके सामने कुछ भी बोल सकते हो और फिर उनको फुल उल्टा घुमा सकते हो कि नहीं नहीं एक्चुअली श्री आई वाज सेइंग दिस एंड ही वाज सेइंग दिस एंड ही वाज सेइंग दिस, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। अन्य विश्वास कर लेते हैं तो बहुत मजा आता है। पर आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैंने सुना आप हिंदी फिल्मों के भी फैन हैं, कोई आप सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी आपकी? सर बहुत है सर, यू नो दिल चाहता है। ओके, वेरी नाइस मूवी एक्चुअली। रंग दे बसंती। रंग दे बसंती, क्या बात है। धूम टू, धूम टू, यू नो दैट काइंड ऑफ सिनेमा सर। सब अच्छी अच्छी देखते हैं। फिरंगी नहीं देखी आपने? आप पहले आदमी नहीं जिसने नहीं देखी। मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने देखी है। अब वक्त है छत्रपति फिल्म से खूबसूरत सिंगर को इनवाइट करने का। बड़ी प्यारी हैं, इंसान भी बहुत प्यारी हैं, गाती भी बहुत प्यारा है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पलक मुच्छल। अभी पलक की नई नई शादी हुई है, पहले तो इसके लिए जोरदार तालियां, बहुत मुबारक आपको। शादी के बाद आप पहली बार आई हैं। हाँ जी। थोड़े दिन बैठिए प्लीज। थोड़े दिन पहले आपके हस्बैंड भी आए थे मिथुन जी। हाँ जी। हाँ, पूरे शो में 8 बातें की उन्होंने। तो पहले से कम बोलते थे कि शादी के बाद हुए साइलेंट? एक्चुअली जितने लोग उन्हें जानते हैं वो ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया है। अच्छा। तो पहले फिर इशारों में ही बात करते होंगे फिर तो, अगर ये मतलब। पर वो काफी शाय है ना। हाँ, लव मैरिज हुई आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। हाँ जी। अच्छा। वाओ। तो उस समय बोला था उन्होंने कुछ जब रिश्ता होने वाला था? तब उनके पेरेंट्स ने और मेरे पेरेंट्स ने बोला था तो उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। कितनी क्यूट है ना पलक। अब वक्त है फिल्म से जुड़े एक और मेहमान को स्टेज पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम करण सिंह छाबड़ा। वेलकम करण। वाओ, ये जैकेट आपको भाग्यश्री जी ने बनवा के दिए? नहीं सर, क्या है ना, मैं फिल्म लाइन में नया नया एंटर कर रहा हूँ तो सुना है फिल्म लाइन में कांटे बहुत सारे हैं, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओहो वाह, पर ये किसी और को गले मत लगना ये पहन के। मेरी छाती में चुभे हैं पता ही है। सीरियसली सर, आप हमारे लिए बहुत जरूरी हो, आपको कुछ चोट नहीं होनी चाहिए। लव यू ब्रदर, वेलकम। थैंक यू। आइए। करण का आजकल टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी हाल ही में ना जो स्पाइडरमैन बने थे टॉम हॉलैंड, उनके साथ इनकी सेल्फी बड़ी वायरल हुई, उसके बाद छत्रपति फिल्म में आ गई है। हाँ। उसके बाद तो सीधा ही कपिल शर्मा शो में, मतलब। और कोई ख्वाहिश आपकी करण है? नहीं पाजी, आज सारे सपने पूरे हो गए। मैंने ना प्रोड्यूसर साहब को कहा था कि मुझे आप भले ही वैनिटी वैन देना दें,
बाथरूम में पानी आता हो या ना आता हो, अच्छा मेकअप वाला हो ना हो, अच्छा, बस कपिल शर्मा शो पे जरूर ले जाना। पाजी उन्होंने He was requesting me every day. पाजी सर, my mother's dream सर, अरे प्लीज टेक मी टू कपिल शर्मा शो सर, my mother's dream. थैंक यू पाजी, कमाल की बात है उन्होंने सच में कुछ नहीं दिया। कहते जो लेना वही ले जाके। ये बड़े बड़े अच्छे एंकर भी हैं ये। हाँ। ये अपना खुद का शो करते हैं, सोनी का जो बाहर जाता ना। हाँ। शो इंग्लिश में करते हैं ये। अच्छा। जी देखते तो वहाँ पे इंडियन ही होंगे ना जी। मतलब... बाजी वो सारे अपने इंडियन ही हैं, पर उनका ऐसा होता है शो इंग्लिश में देखते हैं और पिक्चरें अपनी हिंदी देखते हैं। अच्छा। अपने NRI जो सारे अपने, जैसे नो मैं डस्टबिन गार्बेज सिटता है। अमेरिकन एक्सेंट भी आता है आपको? पाजी थोड़ा बहुत आता है, मतलब कैसे बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश? Well, ladies and gentlemen, welcome to the Kapil Sharma Show. It's a fabulous evening and a lot of glamour. I can see the super glamorous Archana Puran Singh here. The amazing cast of Chhatrapati. So give it up for all of them, ladies and gentlemen. ये कौन से वाले अमेरिकन हैं जो पंजाब से गए हैं वहाँ पे? जी भाजी अपने देश से ही हैं। अच्छा आज मान लो आप एंकर हो। हाँ जी। और मुझे भी समझो आपकी, मैं भी छत्रपति फिल्म का ही एक एक्टर हूँ, मैं इनके साथ आया हूँ। आप इंटरव्यू करो आज, 10 साल हो गए मेरे साथ। सवाल खत्म हो गए। ऑल राइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। सो सबसे पहले हमारे साथ कास्ट आई है छत्रपति के, एक बार जोरदार तालियां फॉर द कास्ट ऑफ छत्रपति। आराम, चिल करने का, गेस्ट को काम पे लगाने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो ब्रदर। यस, और सबसे पहले शो के बारे बता दूं, आज कपिल भाई छुट्टी पे हैं तो उन्होंने दिहाड़ी पे एक बंदा रखा है टेम्पररी बेसिस पे, जो इनका बजट है कपिल जी का उसके शायद मैं मेकअप वाले के बजट में आ गया हूं, बट अच्छा जब आप बैठते हैं फिर नहीं बोल पाते? नहीं भाजी, मैं खड़े होता हूँ तो एंकरिंग में एनर्जी बड़ी आती है, मैं खुद को विराजमान कर लेता हूँ। और विराजमान होने के बाद सबसे पहला सवाल मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज जीते हैं अपनी लाइफ में, आपने उसके बाद अपने नाम का एक बहुत बड़ा शो चलाया है, आप OTT पे बहुत कमाल कर रहे हैं, आप फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स पे जाकर इंडिया का नाम रोशन कर चुके हैं, आपने कभी सोचा था कि ये एंकर आपकी कभी इंटरव्यू लेगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। जब मुझे पता चला आप आ रहे हैं तो मैंने कहा बिल्कुल इनको मैं बोलूंगा कि आप हमारा इंटरव्यू करें। जी तो अपने को-स्टार से भी आप कुछ पूछना चाहते हैं? लेकिन कपिल इनसे पूछ लीजिए, उन्होंने आपकी पिक्चर देखी है। हाँ, तारीफ तो बड़ी कर दी, फिल्म देखी थी मेरी। देखो मैं टॉक शो चलाता हूँ, मुझे जिस जिस प्रोड्यूसर का इनविटेशन आ जाता है स्क्रीनिंग का मैं वो देख लेता हूँ, आपकी तरफ से कोई इन्वाइट नहीं आया तो मैं नहीं देख। अच्छा, मुफ्तखोर ऑडियंस है। जी सर, साथ में मैं नुसरत से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिल्म में तो छत्रपति के साथ हैं, रियल लाइफ में अगर नुसरत का पति हो तो उसमें 3 ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आई थिंक मुझे हंसाए, जो बहुत फनी हो। अच्छा जी, और उसके साथ साथ सिंगल हो। सिंगल मतलब जैसे मैं मैरिड हूँ, अंधेरी वेस्ट साइड। अभी फिल्म सिटी आते हैं तब सिंगल हो। फिल्म सिटी में आई एम सिंगल। यस, और तीसरी क्वालिटी हीरो हो, जो आप हो। हाँ, हो गया। थैंक यू नुसरत, मुझे पता नहीं था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।